गुड मॉर्निंग गाइस, लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज हमारा लेक्चर टू स्टार्ट होता है, 40 लेक्चर की सीरीज है, उसमें लेक्चर टू है। आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ये है, 2011 में पूछा गया था। ठीक है, 2011 का राउंड शायद पूछा गया था। इस क्वेश्चन में ये बोला गया था कि आपको एससी रॉय वर्सेस रिस्ले की जो फेमस डिबेट है, ठीक है, जो मैं बता चुका हूं, उसको लिखना है। ठीक है, जल्दी जल्दी बताऊंगा और कैसे लिखना है, क्या लिखना है, ये भी बताऊंगा। ठीक है, ये हम सॉल्व करेंगे आज। उसके बाद हम अभी फॉर्मेटिव फेज को क्रॉस करेंगे, तो हम अब कंस्ट्रक्टिव फेज में घुसेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फेज में हम दो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव फेज में एक हम पढ़ेंगे आज डीएन मजूमदार को, ठीक है, और दूसरा इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डॉक्टर एल्विन को, वेरियर एल्विन। ठीक है, वेरियर एल्विन, ठीक है, डीएन मजूमदार को पढ़ेंगे और डॉक्टर वेरियर एल्विन को पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, अच्छो एससी रॉय और रिस्ले की डिबेट में, ठीक है, मैंने आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताए थे, उन्हीं पॉइंट्स को रिकैप करूंगा और आंसर को लिखना कैसे है मैं बताऊंगा। ठीक है, लिखा हुआ आंसर है, मैं रीड करके बताऊंगा। ठीक है, पहले आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ लीजिए। आप एससी रॉय और रिस्ले की डिबेट में सबसे पहला जो पॉइंट डालेंगे, स्टडी ऑफ ट्राइबल्स का। ठीक है, इस चीज का स्टडी ऑफ ट्राइबल्स, ट्राइबल्स की स्टडी किस तरीके से दोनों साइंटिस्ट ने अलग अलग वे में इंटरप्रेट करके करी है। देखो, सबसे पहले अगर मैं रिस्ले की बात करूंगा इसमें, तो रिस्ले ने जो ट्राइबल्स की स्टडी करी है, तो उसका सोल ऑब्जेक्टिव था कि टू कंसोलिडेट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, टू कंसोलिडेट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ठीक है, ब्रिटिश शासन को कंसोलिडेट करना भारत में। ठीक है, ये था रिस्ले का ऑब्जेक्टिव इन द स्टडी ऑफ ट्राइबल्स। ट्राइबल्स की स्टडी में रिस्ले का ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को कंसोलिडेट कराना। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं इसको, एससी रॉय। एससी रॉय ने ट्राइबल्स की स्टडी करवाई टू प्रोटेक्ट ट्राइबल्स, ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन एंड इनजस्टिस। तो पहला पॉइंट हो गया कि एससी रॉय ने स्टडी करी ट्राइबल्स की टू प्रोटेक्ट ट्राइबल्स फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन, और ऑन द अदर हैंड रिस्ले स्टडी ट्राइबल्स टू कंसोलिडेट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ये पहला पॉइंट डालेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो, स्टडी ऑफ ट्राइबल्स हमारा पहला पॉइंट होगा इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में। दूसरा पॉइंट है यूज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज, एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज का इस्तेमाल किस तरीके से दोनों साइंटिस्ट ने किया है। ठीक है, हालांकि हम जानते हैं दोनों में से किसी भी, दोनों साइंटिस्ट में से किसी के पास कोई डिग्री नहीं थी एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है, और उस समय एंथ्रोपोलॉजी इतना एक एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट भी नहीं था। इंडिया में एंथ्रोपोलॉजी 1920s में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि फॉर्मेटिव फेज में जो बंदे हों वो स्पेशलाइज हों। ठीक है, तो रिस्ले ने जो एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी का इस्तेमाल किया, इन्होंने यूज किया टू वीकन नेशनल मूवमेंट, इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था उसको वीक करने के लिए। ठीक है, किसने? रिस्ले ने इस्तेमाल किया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, अदर हैंड कौन है हमारे? एससी रॉय। एससी रॉय ने जो एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज थी उनकी, उसका यूज किया एक्सप्लॉइटेशन, इनजस्टिस और यूनिटी को प्रमोट करने के लिए समाज में। सेम पॉइंट घुमा के लिखेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, इन्होंने नेशनल मूवमेंट को वीकन किया, इन्होंने इन सब जरिए से नेशनल मूवमेंट को स्ट्रेंथ दी। ठीक है, बात समझ रही है? गांधी जी बोलते थे ना कि समाज के हर एक वर्ग को साथ आना पड़ेगा अगर आपको एक ब्रिटिशर्स के प्रति अपोजिशन देना है। ठीक है, और ये समाज को डिवाइड कर रहे थे, तो समाज को इकट्ठा करा अपनी एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज के जरिए। ही वॉज नॉट अ लीडर, पर इनकी टीचिंग्स हमें ये सिखाती हैं कि इनका ये मोटिव रहा होगा। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन से प्रिवेंट किया, इनजस्टिस प्रिवेंट किया, समाज में यूनिटी की बात करी, तो ये एससी रॉय की बात हुई। ठीक है, तो यूज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज में भी दोनों डिफर कर रहे हैं, देखिए किस हद तक। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा है हमारे एससी रॉय ने क्या किया, सॉरी रिस्ले ने,
रिसले ने इंडिया में डाइवर्सिटीज को उजागर किया, ही हाईलाइटेड डाइवर्सिटीज, सेम पॉइंट है, देखो कितना घुमा घुमा के लिखा है मैंने, इन्होंने डाइवर्सिटीज को हाईलाइट किया इंडिया में जितनी डाइवर्सिटीज हैं, और उस तरीके से इन्होंने इंडिया में डिसयूनिटी को प्रमोट करवाया है। ठीक है, अपोजिट साइड में एससी रॉय की बात करूं तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रेशियल यूनिटी को प्रमोट किया है। ठीक है, और अपना याद करो वो लेक्चर, पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया था, द नीड ऑफ फिजिकल बायोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सॉरी द नीड ऑफ बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जिसमें इन्होंने बोला था कि जितने भी हमारे इंडिया में रेसेस पाए जाते हैं सब कोकोसाइड स्टॉक के निकले हुए हैं, वो आगे रेस में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इन्होंने डाइवर्सिटी को हाईलाइट किया, इन्होंने रेशियल यूनिटी को हाईलाइट किया। ठीक है, तो तीन मोटे मोटे पॉइंट हमने याद कर लिए, अब आंसर को लिखना कैसे मैं अपना पढ़ के सुनाता हूं। ठीक है, ये तीन पॉइंट आपको आंसर में लिखने हैं, मेरे हिसाब से हो जाएगा कंप्लीट। सुनिए अब ध्यान से, देयर वॉज अ डिफरेंस इन द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ इंडियन ट्राइबल्स, इंडियन ट्राइबल्स और कास्ट की स्टडी में एक पर्पस था, डिफरेंस था इन द पर्पस, किस किस का, रिसले और एससी रॉय। ठीक है, दोनों ने ट्राइबल्स को स्टडी किया है पर दोनों का पर्पस अलग अलग है। ठीक है, रिसले ने स्टडी किया इंडियन ट्राइब्स एंड कास्ट लैंग्वेज एंड कल्चर को नॉट टू बेनिफिट द पीपल ऑफ इंडिया बट टू कंसोलिडेट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, किसने, रिसले ने। रिसले ने किताब लिखी ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल इन 1891, बताया था 1891 की किताब रिसले की, रिसले ने 1891 में किताब लिखी, और एक किताब लिखी थी उन्होंने 1915 में पीपल ऑफ इंडिया, द ट्राइब एंड कास्ट ऑफ बंगाल लिखी है 1891 में रिसले ने, पीपल ऑफ इंडिया 1915 में। ठीक है, देखो स्पेशली टू सर्व, दोनों किताब इन्होंने क्यों लिखी, स्पेशली टू सर्व कॉलोनियल इंटरेस्ट, पीपल ऑफ इंडिया जो दूसरी वाली किताब थी 1915 की, वॉज रिटन एज अ गाइड फॉर ट्रेनिंग ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर्स, ये गाइड की तरह इस्तेमाल हुई ब्रिटिश आईसीएस ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए, उनको एक्वेंट करने के लिए कि वो इंडियन ट्राइब कास्ट लैंग्वेज रेस को पढ़ सके ताकि अपने कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके। ठीक है, याद करो बोला था ट्राइब के कल्चर का इस्तेमाल करेंगे हम उनको रूल करने के लिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने हमें बताया था कि आप जो है ट्राइब्स के साथ, ब्रिटिशर्स को बताया था कि आप जो है ट्राइब्स के साथ डायरेक्ट मत भिड़िए, यूज दियर कल्चर टू रूल देम। ठीक है, ऐसे तो अंत ही नहीं है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट आगे डालेंगे, रिसलेस नॉलेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजी अल्टीमेटली हेल्प ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, रिसले की जो नॉलेज थी उसने हेल्प करा ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को, रिसले यूज हिज एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज ऑफ लैंग्वेज रिलीजन कस्टम टू वीकन नेशनल मूवमेंट, नेशनल मूवमेंट को वीक करने के लिए उन्होंने यूज किया, ही सजेस्टेड लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन को उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप बंगाल को डिवाइड कर दीजिए रिलीजियस लाइन्स पे, ऑन रिसले सजेशन, रिसले के सजेशन पे ही बंगाल वॉज डिवाइडेड। ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ मैं बात करता हूं, एससी रॉय का पर्पस क्या था एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज का, टू प्रोटेक्ट ट्राइबल्स फ्रॉम इनजस्टिस, इतना समझ में आया। अब तीसरा पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट, रिसले थ्रू स्टडी ऑफ कास्ट, अब देखो रिसले ने क्या किया, कास्ट की स्टडी करी, रिलीजन की स्टडी करी, रेस की स्टडी करी। ठीक है, उस स्टडी से उन्होंने ये हाईलाइट किया कि इंडिया में डाइवर्सिटी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कितना है इंडियन सोसाइटीज में। रिसले ने स्टडी करी कास्ट रिलीजन रेस एंड थ्रू दिस स्टडी ही हाईलाइटेड द डाइवर्सिटी एंड कॉन्ट्राडिक्शन इन इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी किस तरीके से मूलभूत तरीके से अलग 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 है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, टू सर्व इंपीरियलिस्ट डिजाइन ऑफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और इस स्टडी ने ब्रिटिशर्स की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल को रीइंफोर्स किया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एससी रॉय थ्रू हिज लेक्चर ऑन इन पटना यूनिवर्सिटी ऑन द टाइटल ऑफ नीड ऑफ फिजिकल बायोलॉजी, ठीक है, नीड ऑफ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया इन 1921, ही ट्राइड टू प्रमोट वननेस अमंग द इंडियंस, इंडियंस के बीच में एकजुटता को इन्होंने प्रमोट किया, बाय असर्टिंग दैट पीपल ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया, इंडिया में जितने भी रेसेस हैं, ठीक है, आर्यन, द्रविडियन, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रोइड, दे आर द ब्रांचेस ऑफ सेम कोकोसाइड स्टॉक। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, ठीक है, और मैं उन्हीं को फोर्स कर रहा हूं कि आप अपने आंसर में लिखिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है, मोटे मोटे तौर पे एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, क्वेश्चन सेम ही है, एससी रॉय और रिसले की डिबेट घूम घूम के आएगी, अब उसमें आप क्या करें, एससी रॉय के बारे में 50 चीजें पढ़ें, रिसले के बारे में 50 चीजें पढ़ें, वहां जब लिखने की बात आए तो आप कुछ अच्छे से लिख नहीं पाए। ठीक है, तो उसमें तो आपके पढ़ने का व्यर्थ हो गया ना सर, तो बेसिक यही है कि हम कुछ पढ़ेंगे फिर उसको क्रैम करेंगे, ठीक है, रट्टा लगाएंगे बस और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं कंस्ट्रक्टिव फेज,
कंस्ट्रक्टिव फेज का स्टार्ट हुआ था बताइए आप लोग, एनालिटिकल फेज के दो महानुभावों को मैं करा चुका हूं, रिस्ले और एससी रॉय, मेरा खत्म हो चुका है, अब कंस्ट्रक्टिव फेज में एंटर कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव फेज में भी दो महानुभाव पढ़ाऊंगा और जो बीच में जो साइंटिस्ट रह जाएंगे उनको मैं अलग से एक लेक्चर में कवर करूंगा, ठीक है। अभी मोटे मोटे तौर पर जिन पे क्वेश्चंस बनता है उनको हम अच्छे से करते हैं। देखो कंस्ट्रक्टिव फेज स्टार्ट हुआ था हमारा, बताओ 1919 में खत्म हो गया था वो, उसके बाद से 1947-48 तक जा रहा है, उसके बाद 1947-48 के बाद कौन सा फेज आएगा, एनालिटिकल फेज। बताया था, क्या बताया था मैंने आपको, एफसीए याद रखना, फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्टिव एनालिटिकल। फॉर्मेटिव कब स्टार्ट हुआ था, 1774 से 1919, कंस्ट्रक्टिव फेज 1919 से 1947 और एनालिटिकल 1947 से आज तक। ये एफसीए की क्लासिफिकेशन कौन दिया हमें, एलपी विद्यार्थी। एलपी विद्यार्थी कौन है, डीएम मजुमदार के शिष्य। डीएम मजुमदार कौन है, एससी रॉय के शिष्य, ठीक है। स्टोरी बन लिया, ठीक है। तो एफसीए पता है, कंस्ट्रक्टिव फेज पता है। अब कंस्ट्रक्टिव फेज में जो दो बड़े लोग जिन्होंने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में काम किया है उसमें एक है हमारे भाई साहब डीएम मजुमदार, ठीक है, डीएम मजुमदार, और दूसरे हमारे हैं सर वेरियल एल्विन, ठीक है। इस वीडियो में भी हम डीएम मजुमदार को पढ़ते हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना क्योंकि इनपे क्वेश्चन आता है, 15 नंबर तक पहुंच सकता है, ठीक है, ट्राई करेंगे। देखिए मैं एक नई सीरीज और स्टार्ट कर रहा हूं साइड बाय साइड, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि अब लॉकडाउन तो एक्सटेंड हो गया है, अब हम इसको खींचते हैं एंथ्रोपोलॉजी को, क्योंकि मैं भी अब कुछ नहीं करूंगा, केवल एंथ्रोपोलॉजी की वीडियोस बनाऊंगा आने वाले 20 दिनों में। एक साइड मेरा मेंस का आंसर राइटिंग ग्रुप चल रहा था, मैं उसको सोच रहा हूं थोड़े दिन होल्ड कर दूं, क्योंकि इसमें अगर हम 20-25 दिन हम जो भी मिल रहे हैं लॉकडाउन में, अगर हम कोशिश करें कि एंथ्रोपोलॉजी खत्म कर लें तो उससे बढ़िया क्या चीज होगी, ठीक है। ट्राई करते हैं, जितना पहुंच सकता है पहुंचाते हैं, ठीक है। चलो डीएम मजुमदार नाम लगे, कंस्ट्रक्टिव फेज में बड़ा नाम कौन है, डीएन मजुमदार। अगर कंस्ट्रक्टिव फेज लिखना आया और डीएन मजुमदार नहीं लिखा तो नंबर कितना मिलेगा, 0, ठीक है। तो डीएन मजुमदार के बारे में पढ़ते हैं, इन्होंने अपनी एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नी स्टार्ट करी किसके अंदर, एससी रॉय के अंदर, ठीक है। एससी रॉय कोई एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं थे, ही वाज सिंपली अ लॉयर। तो इन्होंने जितनी भी स्टडीज करी होंगी और जितने भी एंथ्रोपोलॉजिकल टूल इन्वेंशन किए होंगे वहां पे इन्होंने किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा को फॉलो नहीं किया होगा। जैसे हम बात करते हैं ना क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म, फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ही हैवंट फॉलोड एनीथिंग। इन्होंने अपने इंस्टिंक्ट के जरिए कुछ इन्वेंट किया जो उनको समझ लगी कि हाँ ट्राइबल्स की जिंदगी में उनका कल्चर इंपॉर्टेंट है, कल्चर इज द पार्ट ऑफ दियर लाइफ, ये दिखाना चाहिए दूसरी सोसाइटीज को, उनको समझना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ये इस बंदे को लगा। अपनी स्टडीज के दौरान जब ये काम कर रहे थे किस किस फील्ड में उन्होंने काम किया बताओ जरा, मैंने कोड बताया था MOBHK, मॉब एच के बताया था, एससी रॉय की स्टडी थी, इसी ऑर्डर में चली थी, सबसे पहले मुंडा, फिर ओराम, फिर बेहोर, देन हिलभुइया, देन खड़िया। ये छोटे छोटे आप याद कर लेंगे ना एक्रोनियम्स, बहुत मजेदार रहते हैं, एंड में जब आप इस्तेमाल करते हैं इतने ट्राइबल्स आपको पता है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में जितने ज्यादा ट्राइबल्स के नाम रट लें, उनकी लोकेशन रट लें, उनके कल्चर के बारे में थोड़ा बहुत रट लें, केस स्टडीज का खेला है वही हम करेंगे, ठीक है, वहीं से केस स्टडीज उठाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो डीएन मजुमदार ने अपनी एंथ्रोपोलॉजिकल जर्नी स्टार्ट करी एससी रॉय में। अब एससी रॉय स्टडी कर रहे थे मुंडा, ओराव, बिरहोर, हिलभुइया और खड़िया को, बात समझ आ रही है। और इस स्टडी के दौरान उनको मिलते हैं डीएन मजुमदार, डीएन मजुमदार इनके शिष्य बनते हैं, ठीक है। ये इनके साथ तब तक रहते हैं जब तक एससी रॉय की डेथ नहीं हो जाती इंडिया में, ठीक है। एससी रॉय मरने से पहले अपने शिष्य डीएन मजुमदार को ये बोल के चले गए कि बेटा कि तू हो ट्राइबल्स की स्टडी जरूर कर लेना, मेरा बहुत मन था कि मैं हो ट्राइबल्स की स्टडी करूं पर मेरी हेल्थ मुझे परमिशन नहीं देती कि मैं हो ट्राइबल्स की भी स्टडी करूं, बात समझ आ रही है। तो डीएम एससी रॉय के मरने के बाद, ठीक है, डीएन मजुमदार ने हो ट्राइबल्स की स्टडी स्टार्ट करी थी, लेकिन कुछ समय ऐसा चला कि उनको रियलाइज हुआ स्टडीज के दौरान, हो ट्राइबल्स की स्टडी के दौरान, कि उनको रियलाइज हुआ कि नहीं यार अभी थोड़े से स्पेशलाइजेशन मुझे कर लेना चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ ना कुछ, अभी तो मेरे बस जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव एंथ्रोपोलॉजी का, आई एम नॉट स्पेशलाइज्ड एंथ्रोपोलॉजी साइंटिस्ट, ठीक है, क्योंकि 1920 में डिपार्टमेंट बन चुका था एंथ्रोपोलॉजी का इंडिया में। तो उन्होंने भी सोचा कि हाँ यार मैं अब स्पेशलिस्ट बनता हूं एंथ्रोपोलॉजी की, फिर वापस इंडिया में लौट के और रिसर्च करूंगा और प्रमोट करूंगा और अच्छी तरीके से काम कर पाऊंगा, ठीक है। ये थॉट के साथ उन्होंने हो ट्राइबल्स की स्टडी को बीच में छोड़ दिया
और फोर ट्राइबल्स की स्टडी छोड़ के वो चले गए लंदन, और लंदन में एक बहुत बड़ा नाम, मतलब ग्लोबली मैं अगर बात करूं एंथ्रोपोलॉजी में इनसे बड़ा नाम मुझे नहीं लगता वही होगा, ठीक है, वैसे हैं, लेकिन इनका काम जो फंक्शनलिज्म में नंबर वन है, और इन फंक्शनलिज्म का स्कूल के प्रोपाउंडर आप बोल सकते हैं, ही इज मेलिनोस्की। तो मेलिनोस्की के अंदर ये ट्रेन हुए डीएन मजुमदार, ठीक है, और कौन से स्कूल में ट्रेन हुए, ये फंक्शनलिज्म में ट्रेन हुए। अब मैंने बोला था कि यूज होंगे थ्योरीज, और थ्योरीज जब मैं यूज करूंगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको कोई दिक्कत ना आए, तो फंक्शनलिज्म का थोड़ा सा मैं बताऊंगा हल्का सा, ठीक है, बस ये याद रखना कि थोड़ा एक दो दिन थोड़ा सा पेस बना के रखना, मैं आपको थिंकर्स का एक पर्टिकुलर साइड में स्टार्ट करूंगा, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट स्टार्ट होगी थिंकर्स की, उसमें मैं स्टार्ट कर दूंगा थिंकर्स, जल्दी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इतना याद रखो कि मजुमदार कहां थे, मजुमदार ने हो ट्राइबल्स की स्टडी बीच में छोड़ दी और वो चले गए लंदन मेलिनोस्की के अंडर फंक्शनलिज्म में ट्रेन होने के लिए, ठीक है, फंक्शनलिज्म में ट्रेन हुए। देखो फंक्शनलिज्म ये बोलता है कि कल्चर के जितने भी टूल्स होते हैं, ठीक है, दे आर द बायोलॉजिकल नीड ऑफ इंडिविजुअल्स, कल्चर के टूल्स उस इंसान के बायोलॉजिकल नीड्स हैं, तो हमको उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये कैसे होता है मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है, अब बस इतना ध्यान रखना फंक्शनलिज्म क्या बोल रहा है, कि कल्चर के टूल्स आर द बायोलॉजिकल नीड्स ऑफ एन इंडिविजुअल एंड हेंस दे नीड नॉट टू बी कॉम्प्रोमाइज और नीड नॉट टू बी लुक्ड डाउन, ठीक है, एंड एवरीथिंग इन कल्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, आगे जाके इलेबोरेट करूंगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मजुमदार लेफ्ट द स्टडी इन बिटवीन एंड वेंट टू लंदन वेयर ही वाज ट्रेन्ड इन फंक्शनलिज्म अंडर मेलिनोस्की। अब मेलिनोस्की के अंदर ये ट्रेन हो गए, फिर ये वापस लौटते हैं भारत और ये स्टडी करते हैं जहां अपनी स्टडी छोड़ के गए थे हो ट्राइबल्स की, और हो ट्राइबल्स की स्टडी करके उसको एक किताब बनाते हैं जैसे इनके गुरु कर रहे थे, MOBH के पढ़ा किताब बनाई, और वो किताबें कहां इस्तेमाल हो रही थी, जस्टिस सिस्टम में न्याय देने के लिए। इन्होंने भी एक किताब छापी, उस किताब का नाम था अ ट्राइब इन ट्रांजिशन, क्या नाम था, अ ट्राइब इन ट्रांजिशन। आप सोचो ये पढ़ के आए फंक्शनलिज्म, तो जरूरी है कि फंक्शनलिज्म के थॉट्स को यहां पे इनकल्केट करना, तो उन्होंने किया भी, ठीक है। इन दिस बुक ही हाईलाइटेड हाउ मैरिज फैमिली किनशिप रिलीजन हेल्प द इंडिविजुअल, ये इनका कल्चर है, इट दे हेल्प द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई द बायोलॉजिकल नीड्स, किस तरीके से मैरिज हो गया, उनका कल्चर हो गया, उनका ट्रेडिशन हो गया, उनका रिलीजन हो गया, उनका फैमिली का तरीका हो गया, ये किस तरीके से इंडिविजुअल की बायोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। देखो दो चीजें होती हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और फंक्शनलिज्म हमेशा सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देता है और फंक्शनलिज्म हमेशा इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देता है। कैसे होता आगे बताऊंगा। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ये बोलता है कि सोसाइटी जो होती है ना, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या बोलता है कि सोसाइटी इंसान की बॉडी की तरह है, जैसे इंसान की बॉडी के अंदर हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, ऑर्गन है अलग अलग, कोई भी एक ऑर्गन जो है इंडिविजुअली फंक्शन नहीं कर सकता, हर एक ऑर्गन एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है पूरी बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है। उसी तरीके सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस उस इंसान की बॉडी की ऑर्गन की तरह हैं, दे कैन नॉट कम इंडिपेंडेंटली, हर किसी को इंटीग्रेटेड वे में चलना पड़ेगा तभी सोसाइटी को रन करेगी, बात समझ में आ रही है। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देता है, बल्कि जो ऑन द अदर साइड फंक्शनलिज्म ये बोलता है कि बायोलॉजिकल नीड है कल्चर, ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये बहुत थोड़ा डीप थॉट है, आगे क्लियर करूंगा, बस इतना ध्यान रखना कि मजुमदार जो है वो फंक्शनलिज्म में ट्रेन हो चुके हैं मेलिनोस्की के अंडर, और इन्होंने अ ट्राइब इन ट्रांजिशन किताब लिखी है हो ट्राइबल्स पे, अब वो फंक्शनलिस्ट व्यू यहां पे इंपोज करेंगे। तो उन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से मैरिज हो गया, फैमिली हो गया, किनशिप हो गया, रिलीजन हो गया, ये किस तरीके से हेल्प करता है इंडिविजुअल को टू सेटिस्फाई द बायोलॉजिकल नीड अपार्ट फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड मेलिनोस्कियन व्यू। इतना याद रखना कि जो डीएन मजुमदार थे थोड़े से विद्रोही थे जितना मुझे लगा, ठीक है। अब ये एक स्टेप आगे रहते थे, मेलिनोस्की फंक्शनलिज्म में चलते थे, ये थोड़ा ऊपर उठ के सोचने की कोशिश करते थे, ठीक है। इन्होंने केवल और केवल मेलिनोस्कियन व्यू को फॉलो नहीं किया, इन्होंने उसके ऊपर भी टूल्स बनाने की कोशिश करी, इन्होंने कुछ और भी चीजें हाईलाइट करी। जैसे मैंने बताया था ना कि जब भी ट्राइबल्स की स्टडी करते थे तो कुछ ब्रिटिशर्स जो है फॉरेस्ट में घुसते थे, ठीक है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट भी करते थे, काफी कुछ होता था, ठीक है। तो इन्होंने ये दिखाया कि
जो ट्राइबल्स जंगलों में और आइसोलेटेड इलाकों में रहते हैं उन पर क्या इंपैक्ट करता है जब बाहर से लोग आते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बात समझ आ रही है? तो हार्मफुल इंपैक्ट दिखाया इन्होंने, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम गोइंग बियॉन्ड मेरिनोस्कियन व्यू ही हाइलाइटेड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट ऑन द सोसाइटी। सोसाइटी पर नॉन ट्राइबल कॉन्टेक्ट का क्या फर्क पड़ता है, बात समझ आ रही है? अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। इनकी जो स्टडी थी वो किस तरीके से गई है, ऐसी रॉय के अंदर स्टूडेंट दिखा दिया आपने, हो दिखा दिया, मेलिनोस्कियन व्यू दिखा दिया आपने, मेलिनोस्की के अंदर फंक्शनिज्म की आप स्टडी कर रहे हैं, इतना समझ में। देखो इन्होंने फिर आगे स्टडी करी तीन चीजें, याद रखना कोड याद रखना, के एम के, ठीक है। इन्होंने स्टडी करी के एम के पे, जो इनका फोकस एरिया है, के है कोरबा, कोरबा एक ट्राइब है, ठीक है। देखो हो तो उनके गुरु जी करवा के गए थे स्टार्ट, इंडिविजुअल लेवल पे इन्होंने जो किया है वो इंडिया में वो ये है के एम के है कोरबा ट्राइब, कोरबा ट्राइब छत्तीसगढ़ की है ट्राइब, कोरबा ट्राइब। मेरी बात मानो, एक मैप लगा लो एंथ्रोपोलॉजी का कमरे में, ठीक है, उस कमरे में एंथ्रोपोलॉजी का मैप आपने लगा दिया, अब जो भी ट्राइबल का नाम मैं बताता हूँ आपको, आप फट सी ना उस मैप में उस लोकेशन पे छत्तीसगढ़ में कहीं भी छत्तीसगढ़ के अंदर लिख डालो ये कोरबा छत्तीसगढ़ में पाया जा रहा है, बात समझ आ रहा है, ठीक है। और चेंचू कहाँ पाया जा रहा है, तेलंगाना में डाल दो, बात समझ आ रही है। कोंजक नागा कहाँ पाया जा रहा है, नागालैंड में डाल दो। आपाटनी कहाँ पाया जा रहा है, अरुणाचल प्रदेश में डाल दो। इस तरीके से आप ट्राइबल्स को डालते चलो, फिर क्या होगा कि जब आप खाली बैठे हैं तो उस मैप को देखेंगे तो आपको 50-60 ट्राइबल्स तो उसकी लोकेशन के साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो धीरे धीरे करके क्या होगा, आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि कल्चर जो है ज्योग्राफिकल स्प्रेड पे मैटर करता है, एक पर्टिकुलर कल्चर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पाया जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जितने भी ट्राइबल्स हैं वो मिला जुला कल्चर फॉलो कर रहे हैं, बात सुन रही है। आप ये तक देखेंगे कि एक रिवर किस तरीके से दो कल्चर्स को डिवाइड कर देती है, ठीक है, बात सुन रही है। एक चीज को ध्यान रखना कि इंडिया में इतनी सारी रिवर्स हैं, ठीक है, और ये एक मेन रीजन बना इंडिया में इतने सारे कल्चर और लैंग्वेज के होने का, ठीक है। रिवर्स जो है ज्योग्राफिकल रीजंस को डिवाइड कर देती हैं, जिसकी वजह से वो रीजंस आइसोलेशन में चले जाते हैं और एक दूसरे से पूरी तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाए कई सालों तक, ठीक है। उस प्रोसेस में वहां पे अपना खुद का कल्चर, खुद की लैंग्वेज, खुद के कस्टम्स बनते चले गए, और जब इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ तो यूनिवर्सलाइजेशन स्टार्ट हुआ, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब इसी बात को समझना है ना आगे, ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया। तो उन्होंने स्टडी किया कोरबा को, मुहाना को और कानपुर सिटी को। मुहाना एक गांव है, मुहाना एक गांव है, विलेज है, ठीक है, ये लखनऊ में एक गांव है, लखनऊ के पास है, और कानपुर सिटी एक अर्बन कॉन्ग्लोमरेशन है, जानती हैं कानपुर के बारे में, ठीक है। अब ध्यान से देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी की के स्कोप को इतना बढ़ा दिया कि इन्होंने ये दिखाया कि एंथ्रोपोलॉजी बस केवल जंगलों में जाके स्टडी करना नहीं है, आप ट्राइबल्स की तरफ स्टडी करिए, फिर आप विलेजेस में भी जाके एंथ्रोपोलॉजिकल टूल का इस्तेमाल करके आप स्टडी करिए, फिर आप सिटीज में जाके भी एंथ्रोपोलॉजिकल टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोरबा, मुहाना, कानपुर, के एम के, ये डीएन मजुमदार की स्टडी हुई, ठीक है। अब इन्होंने एक एक करके क्या दिखाया, ठीक है, मैं आपको कोरबा समझाता हूं यहां पे, और कोरबा ही डालना, डीएन मजुमदार में कोरबा की स्टडी डाल देना, ये केस स्टडी एक तरीके से देखो कैसे लिखते हैं। कोरबा में इन्होंने ये दिखाया कि एक जंगल है, उस जंगल में कोरबा रह रहा है, ठीक है, बाहर से लोग आए, डिकू बोलते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है, कुछ बाहर से आउटसाइडर्स हैं, इनके साथ रहे, यहां पे जंगल काटे, ठीक है। ये सब होने से पहले कोरबा जंगल का राजा हुआ करता था, ठीक है, बात समझ आ रही है, कोरबा वॉज अ किंग, लेकिन जब ये आए ही फोर्स्ड कोरबा टू मतलब कि वो अपनी जंगल की लाइफ को छोड़ दे, इस हद तक इन्होंने फोर्स किया, और उसको एक नीगर, एक लेबर बना दिया, पेड़ काटने वाला एक लेबर बना दिया, और उसे तरह तरह के काम करवाए कोरबा से। तो कोरबा एक समय में जैसे अपने आप को जंगल का राजा समझता था, धीरे धीरे करके वो अपने आप को बिल्कुल बेकार समझने लगा, सोचने लगा कि मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रही। इस दरमियान उसने दारू पीना स्टार्ट किया, ठीक है, अब बाहर से आ रहे लिकर भी है, खुद का लिकर भी है, ठीक है, दारू पीना स्टार्ट किया, और इतनी दारू वो पी गया अपने गम में कि यार मैं तो जंगल का राजा था और मैं आज क्या काम कर रहा हूं, ठीक है, मॉरल हैजार्ड हो गया उसके साथ, ठीक है, वो अपने कल्चर को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पा रहा, ठीक है, बाहर के लोग आके उसके कल्चर को नीचे दिखा रहे हैं, ठीक है, जहां पे कल्चर रिलेटिविज्म की बात हम करते हैं जो सोसाइटीज में आज प्रमोट होना चाहिए, वहां पे इथनोसेंट्रिक व्यू जो ये लेके आ रहे हैं वो प्रमोट हो रहा है। अब ध्यान रखना, ये कल्चर रिलेटिविज्म, इथनोसेंट्रिज्म डरना नहीं है,
मैं सब कराऊंगा, ठीक है। कल्चर एलिटिज्म क्या होता है, पहले हल्के से समझाता हूँ। सपोज करो एक कल्चर ये, एक कल्चर ये है, अगर हम इस कल्चर को ये बोले कि यार तू तो बहुत ही बेकार है, तू तो अपने चाचा भतीजे से शादी कर लेते हो, या फिर अपने ही कास्ट में शादी कर लेते हो, या फिर अपने ही जगह पे शादी कर लेते हो, इतने गंदे गंदे कल्चर फॉलो करते हो, ठीक है, एक से ज्यादा शादी करते हो, तुम तो बहुत गंदे हो यार, इस तरह की भावना हम लेके आते हैं। हम एक कल्चर को दूसरे कल्चर के ऊपर रखते हैं, ठीक है, या फिर हम ये बोलते हैं कि यार तुम्हारा कल्चर तो बहुत ही तुच्छ है, तो हम इथनोसेंट्रिक हैं, हमको यह अधिकार बिल्कुल नहीं है कि हम सामने वाले कल्चर को छोटा माने, बात समझ रही है, ठीक है। तो ये भावना समाज में इनटॉलरेंस लाती है और इससे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं और सोसाइटीज डिस्टेबलाइज़ होती हैं। इंडिया जैसी कंट्री जहां विच इज अ लैंड ऑफ न्यूमरस सोसाइटीज, वहां पे कल्चर रिलेटिविज्म फॉलो करना चाहिए, इथनोसेंट्रिज्म नहीं। ये इथनोसेंट्रिक व्यू इनटॉलरेंस को प्रमोट करता है। अब कल्चरल रिलेटिविज्म की बात करता हूं, वहां पे ये है कि आप सोसाइटी में रहें विद अ बैलेंस, आप इनको भी रिस्पेक्ट दें, आप इनको भी रिस्पेक्ट दें, आप इनका कल्चर भी रिस्पेक्ट से देखें, इनके कल्चर को भी रिस्पेक्ट दें, ठीक है। आप ईद भी मनाएं, आप होली भी मनाएं, ठीक है, आप ये मत देखें कि यार वो तो ईद मना रहा है, यार वो तो होली मना रहा है, ठीक है। तो कल्चर रिलेटिविज्म समाज में टॉलरेंस प्रमोट करता है, जिससे सोसाइटी स्टेबलाइज होती है, सोसाइटी में बैलेंस बनता है और सोसाइटी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ पाती है, ठीक है। यही हो रहा था, एथनोसेंट्रिक व्यू आया इन लोगों का, ठीक है। इन्होंने इनके कल्चर को नीचे दिखाया, इसने दारू पीनी स्टार्ट करी, अब इन्होंने इतनी दारू पी कि इनकी बॉडी सक्षम नहीं थी कि एकदम से इतना बड़ा हैफा साट इन्होंने बॉडी में गेन किया, बस उन्होंने मतलब एक तरीके से इनकी हेल्थ वेल्थ सब खराब होनी स्टार्ट हो गई। और हेल्थ वेल्थ खराब होने के बाद कोरबा ने एक डिस्टिंक्टिव नंबर में, एक डिस्टिंक्टिव नंबर में डीपॉपुलेशन फेस किया और कोरबा की पॉपुलेशन धीरे धीरे करके नीचे हो गई। तो ये हार्मफुल इफेक्ट दिखाया, मैंने बोला था ना कि डीएन मजुमदार ये दिखा रहे थे कि हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है कि जब नॉन ट्राइबल्स ट्राइबल एरियाज में घुसते हैं, तो ये कोरबा स्टडी से उन्होंने दिखा दिया, बात समझ आया। चलो तो डीएन मजुमदार ने नॉन ट्राइबल विलेज स्टडी मुहानों को स्टडी किया जो लखनऊ में, उसके बाद उन्होंने कानपुर की स्टडी की एंथ्रोपोलॉजिकल टूल की मदद से, ठीक है। सो ही स्टार्टेड, सबसे पहले उन्होंने ट्राइबल्स की स्टडी करी, फिर नॉन ट्राइबल विलेज की स्टडी करी, बाद में वो अर्बन सिटी में घुसे। अब ये सब हुआ तो मजुमदार ने क्या किया, मजुमदार ने इंडियन एंथ्रोपोलॉजी के स्कोप को बहुत ज्यादा ब्रॉडन कर दिया। एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट ओनली एक्सक्लूसिव स्टडी ऑफ ट्राइबल्स, ये दिखाया डीएन मजुमदार ने, एंड हैज एन आउटग्रोन सब्जेक्ट, और ये अब बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है टू आर स्टडी ऑफ नॉन ट्राइबल विलेज। आप नॉन ट्राइबल विलेज की भी स्टडी करें, आप अर्बन कॉन्ग्लोमरेशन की भी स्टडी करें, आप सब अर्बन टाउन की भी स्टडी करें। ही ऑल्सो पब्लिश्ड अ पेपर। आप देखो हो ट्राइबल्स की स्टडी उन्होंने करी थी, हो ट्राइबल्स में बोंगा कल्चर फॉलो करा था, बोंगाइज्म है, रिलीजियस कल्ट है बोंगाइज्म, मैं बताऊंगा आगे, बोंगाइज्म हो ट्राइबल्स में फेमस है, ठीक है। इन्होंने हो ट्राइबल्स में बोंगाइज्म पे पेपर पब्लिश किया था जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। डीएन मजुमदार का बोंगाइज्म का हो ट्राइबल पे पेपर है, ध्यान से पढ़िएगा, इसे मत पढ़िएगा, मत आप मत पढ़िएगा, क्यों पढ़ना है आपको, बस ये छाप लिखिएगा कि बोंगाइज्म के हो ट्राइबल्स पे इन्होंने पेपर छापा था, रट्टा मारना है, समझना कुछ नहीं करना है। एज अ प्रोफेसर, अब मैंने तुम्हें बताया था कि डीएन मजुमदार इंडिया में लखनऊ यूनिवर्सिटी में एचओडी बने, ठीक है, और एंथ्रोपोलॉजी में उन्होंने ट्रेन किया है एलपी विद्यार्थी को, और एलपी विद्यार्थी वो है जो एफसीए में हमने बताए हैं कि हमारे इंडियन एंथ्रोपोलॉजी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हुआ है, फॉर्मेटिव कंस्ट्रक्टिव एनालिटिकल फेज, कौन कौन सा वैज्ञानिक किस किस टाइम पे कौन कौन सी चीजें हमारी इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की ग्रोथ स्टडी में देते आया है। यह एलपी विद्यार्थी इतना बड़ा नाम है कि यूपीएससी का सिलेबस जो हम देखते हैं उन्हीं के द्वारा डिजाइन किया हुआ है, ठीक है, मेजर मेजर तौर पे, ठीक है, अब तो ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी हु लेटर प्रूव्ड हिमसेल्फ एज एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मतलब एलपी विद्यार्थी ने अपने आप को बहुत वर्ल्ड का बहुत बड़ा एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रूव किया था, वो ट्रेन हुए थे किसके अंडर, डीएन मजुमदार के अंदर। अब ध्यान से सुनो, डीएन मजुमदार एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच के बाद इंडिया में एचओडी बने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनके जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो भी फंक्शनलिज्म में ट्रेंड होंगे, ठीक है। बट एलपी विद्यार्थी ने अपना स्पेशलाइजेशन डीएन मजुमदार के अंदर नहीं किया, उन्होंने अपना स्पेशलाइजेशन किसी और के अंदर किया है, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, रॉबर्ट रेडफील्ड है, ठीक है, आगे बताऊंगा अच्छे से, क्लियर हुआ इतना। तो अब एलपी विद्यार्थी का थोड़ा सा मैं बताता हूँ, इनके बारे में मैं पूरा पढ़ाऊंगा, एलपी विद्यार्थी के बारे में इतना ध्यान रखना कि एलपी विद्यार्थी एक बैचलर्स थे पटना यूनिवर्सिटी, ज्योग्राफी के सिंपल ग्रेजुएट थे, ठीक है, पटना यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में ग्रेजुएशन की, फिर इन्होंने एमए किया एंथ्रोपोलॉजी में लखनऊ यूनिवर्सिटी से अंडर किसके अंडर, बताइए, डीएन मजुमदार के अंडर।
फिर ये पहुंचे स्पेशलाइजेशन के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड के अंदर शिकागो यूनिवर्सिटी यूएस के अंदर, वहां पे ये ट्रेन हुए। ठीक है, चलिए इतना क्लियर हुआ। तो एलपी विद्यार्थी बड़ा नाम है, बाद में देखेंगे, अभी डीएन मजुमदार चल रहा है। डीएन मजुमदार ने हमें ये दिखाया, डीएन मजुमदार ये बोलते थे कि आप हमेशा कभी भी कोई कॉमन विचारधारा फॉलो मत करिए, नेवर फॉलो एनी कॉमन थॉट प्रोसेस इन एंथ्रोपोलॉजी, वर्क एज पर नीड। आप फोकस करिए कि सोसाइटी में चेंज कैसे होता है, सोसाइटी ट्रांजिशन में कैसे आती है। डीएन मजुमदार का ज्यादातर फोकस ये रहा है कि सोसाइटी ट्रांजिशन में आती कैसे है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में वो किसी कॉमन विचारधारा को फॉलो नहीं करने के पक्षधार हैं। बात समझ में आई? अब मेथोडोलॉजी, किस तरह की मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं मजुमदार, ये बोलते हैं कि आप जो है, जैसे सपोज करिए कि कोई भी ट्राइबल कल्चर है, मैं जैसे कोनियक नागा की बात करता हूं। अब कोनियक नागा में यह है कि हेड हंटिंग वो था कि आप इंसानी हेड को काट के लाइए, जो भी ट्राइबल जितने ज्यादा इंसान के हेड को काट के लाएगा वो उतना ही ज्यादा ब्रेव है, कोनियक नागा हेड हंटर्स। तो ये कल्चर तो अच्छा नहीं है ना यार, और ये लॉन्ग टर्म में सर्वाइव भी नहीं करना चाहिए, तो ट्राइबल्स को हमें बचाना चाहिए इस तरह के गलत कल्चर्स के साथ। ये डीएन मजुमदार ने बताया, डीएन मजुमदार ने ये बोला कि इन द नेम ऑफ कल्चर, कल्चर के नाम में वी कैन नॉट लीव ट्राइबल्स, हम ट्राइबल्स को छोड़ नहीं सकते कि वो एक आइसोलेशन में अपनी जिंदगी जिए। रिगार्डिंग मेथोडोलॉजी मजुमदार वॉज इन फेवर ऑफ वैल्यू जजमेंट रिगार्डिंग ट्राइबल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस इन दियर वेलफेयर। बेकार चीज है, इफ अ ट्राइबल कस्टम इज नॉट इन फेवर, अगर कोई ट्राइबल कस्टम किसी ट्राइबल के फेवर में नहीं है, जैसे हेड हंटिंग की बात कर रहे हैं कॉन्जेक्ट नागा, अ वैल्यू जजमेंट मस्ट बी मेड रिगार्डिंग हार्मफुल कस्टम, हार्मफुल कस्टम्स को धीरे धीरे करके सोसाइटी से निकाल दिए जाए और सोसाइटी का ट्रांजिशन शायद हो, लेकिन वो अच्छा है। ये हमें डीएन मजुमदार ने बताया। तो डीएन मजुमदार खत्म होते हैं यहाँ पे, इतना पॉइंट लिख दोगे 15 में से 10 नंबर देगा अगर अच्छे से लिख दिया तो। ठीक है, तो डीएन मजुमदार के अंदर क्या लिखोगे, एससी रॉय के अंदर ट्रेन हुए, जर्नलिस्ट व्यू है, हो ट्राइबल्स की स्टडी, ठीक है, ट्राइबल ट्रांजिशन, ठीक है, ट्रेन अंडर मेलिनोस्की, फंक्शनिज्म, डू नॉट फॉलो एनी कॉमन विचारधारा, देन टीएमके को डालेंगे, कोरबा जंगल का राजा, ठीक है, बाहर से आया, ठीक है, काटा पेड़, मैं दारू पिया, उसके बाद मैं मर गया, कोरबा की लाइफ खत्म हुई धीरे धीरे करके। फिर आया मोहाना, विलेज स्टडी करी, एंथ्रोपोलॉजिकल टूल्स का कानपुर में स्टडी किया, ट्रेन किया एलपी विद्यार्थी को, ठीक है, एलपी विद्यार्थी आगे जाके रॉबर्ट रेडफील्ड में शिकागो यूनिवर्सिटी में ट्रेन हुए। ठीक है, डीएन मजुमदार ने हमें कोनियक नागा वाला बताया कि आप वैल्यू जजमेंट मत पास करिए, फोकस करिए सोसाइटी में चेंज पे, अगर चेंज अच्छा है तो होने दीजिए। ठीक है, इन द नेम ऑफ कल्चर डू नॉट लेट द ट्राइबल्स लिव इन आइसोलेशन और डिग्रेडेड लाइफ में मत जीने दीजिए उन्हें। इस तरह से मैं डीएन मजुमदार खत्म होता है, आगे लेक्चर 2 का पार्ट 2 आगे मिलेंगे। ओके।